अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज भाई और दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूं कि एक ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर अकाउंट पर एक यूज़र ने पूछा था कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल कराने के लिए फ़ीस जमा कर दी है, लेकिन अफसर आईडी पर और अफसर अकाउंट पर रिन्यूअल का आदेश दे दिया जाए और प्रक्रिया पूरी ना हो तो मैं क्या करूँ, यानी नहीं हो रिन्यूअल तो क्या करूँ। तो यहाँ पर इस जवाब में ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि अफसर के खाते में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल की सुविधा उपलब्ध है, और लेकिन इसके लिए आपको अस्पताल में मेडिकल का कराना होगा, उसका सर्टिफिकेट ऑनलाइन करना होगा। और बता दें आपको कि मैंने भी पहले कराया था एक बार रिन्यूअल, तो इसके लिए आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको फ़ीस जमा कराना है और दूसरा बात है मेडिकल कराना है। अगर और एक चीज़ और बता दूँ आप लोग को कि अगर आपका अकाउंट में आपका लाइसेंस जो है ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर मुखालफा है या गरामा है तो आपका रिन्यूअल नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिए, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस में अगर मुखालफा या गरामा है तो उसको पहले पे करना होगा, उसी के बाद ही आपका रिन्यूअल हो जाएगा। तो ये चीज़ तीन चीज़ ध्यान में रखना है आपको कि आपको सबसे पहला है कि पैसा आपको पे करना है जितना साल का बनाना है, दूसरा बात है मेडिकल कराना है और मेडिकल कराइएगा वो अपने आप ऑनलाइन हो जाता है, और दूसरी कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस पर ना कोई मुखालफा ना कोई मुखालफा या कोई गरामा ना हो तो इसके लिए आपका रिन्यूअल हो जाएगा। अगर ऐसा तीनों में से कोई मिस्टेक होगा तो आपका रिन्यूअल नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो ये और यहाँ पर एक बता दें, अपडेट निकाल के आ रहा है कि मक्का में लापता हुई 5 साल की एक बच्ची रतील असद 3 दिन बाद मंगलवार को घर पहुँची है, जो कि 3 दिन के बाद। तो बता दें कि जो लड़की थी तो उसके लड़की के लापता होने के लिए एक निवासी पाकिस्तानी महिला को जिम्मेदार पाया गया है। पुलिस ने कहा है कि हिरासत में ले ली गई है पाकिस्तानी महिला को, कानूनी कार्रवाई लोग अभियोजक की हिरासत में सौंप दिया गया है।